हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियास लवली किचन। आज हम बनाएंगे सोया चंक्स कोफ्ता करी। सोया चंक्स बहुत ही लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन जब आप इसी तरह से सोया चंक्स कोफ्ता बनाओगे तो सभी को ही पसंद आएगा। मुझे भी पहले सोया चंक्स बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन मैंने जब इसी तरह से सोया चंक्स कोफ्ता बनाया तो मुझे भी बहुत बहुत ही पसंद आया और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आया। मैंने ये सोया चंक्स कोफ्ता करी पहले से ही 2 बार बनाई है, तो चलो सोया चंक्स कोफ्ता करी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो, सोया चंक्स कोफ्ता करी बनाने के लिए इधर मैंने 50 ग्राम सोया चंक्स लिया है। सोया चंक्स को 10 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो के रखा है। देखो, इसी तरह से सोया चंक्स बन गया है। अभी इसमें से जो पानी बचा है वो पूरा पानी निकलना है। एक टमाटर और प्याज को भून के पेस्ट बनाई है। 3 बड़े चम्मच बेसन, 1/4 कप फ्रेश क्रीम, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन की पेस्ट, जीरा कसा हुआ, 1 गाजर, आधी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, पेस्ट के लिए नमक, कटा हुआ हरा धनिया, जीरा और धनिया पाउडर ली है, हल्दी, गरम मसाला। और एक कोफ्ता तलने के लिए हमें चाहिए तेल, और करी बनाने के लिए आप तेल ले सकते हो, बटर ले सकते हो। मैंने 1 चम्मच बटर लिया है और तेल। सोया चंक्स कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले सोया चंक्स में जो भी पानी है पूरा पानी हटाना है और इसको मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक करना है। देखो, इसमें से जो भी पानी है ये पूरा पानी इसी तरह से हम दबा के निकालेंगे, एक बाउल में रखते जाएंगे। देखो, इसी तरह से सोया चंक्स में जो भी पानी था पूरा पानी निकला है। अभी हम इसको मिक्सर में पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के। देखो, इसको मिक्सर में हम बारीक करेंगे। देखो, इसी तरह से ये सोया चंक्स को मैंने मिक्सर में बारीक किया है। देखो, बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। अभी हम इसमें डालेंगे 1 कसा हुआ गाजर, कटी हुई शिमला मिर्च, इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा नमक डाल देते हैं, थोड़ी जीरा पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, आधा 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। सारी चीजों को हम मिक्स करें। आपको जो जो सब्जियां पसंद है वो सब्जियां आप इसमें डाल सकते हो। मैंने सिर्फ गाजर और शिमला मिर्च डाली है। आप कॉलीफ्लावर भी कट करके डाल सकते हो, फ्रेंच बीन्स अच्छी तरह से कट करके डाल सकते हो। और आपको कौन सी भी सब्जियां पसंद नहीं है, सिर्फ सोया चंक्स का बनाना है तो सिर्फ सोया चंक्स भी इसी तरह से क्रश करके बना सकते हो। देखो, इसी तरह से सारी चीजें मिक्स हो गई। अभी हम इसमें डालेंगे बेसन, बेसन बाइंडिंग के लिए सारी चीजें। 3 बड़े चम्मच बेसन डाला है। जरूरत लगे तो हम इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। आप सोया चंक्स कोफ्ते डीप फ्राई भी कर सकते हो, नहीं तो शालो फ्राई भी कर सकते हो। देखो, ये बहुत ही सूखा सूखा लग रहा है। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी। ज्यादा पानी मत डालिए, नहीं तो तलने में दिक्कत हो जाएगी। देखो, इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स होके तैयार है। अभी हम इसके छोटे छोटे कोफ्ते बनाएंगे, तो चलो इसके छोटे छोटे हम कोफ्ते बनाएंगे। देखो, इसी तरह से जैसे आपको छोटे चाहिए बड़े चाहिए उस तरह से आप बना सकते हो। देखो, 1 नींबू के बराबर, छोटे नींबू के बराबर हम 1 कोफ्ते बना रहे हैं। आपको बड़े चाहिए तो आप बड़े बना सकते हो, छोटे छोटे चाहिए तो छोटे बना सकते हो। देखो, इसी तरह से सारे कोफ्ते बनाए हैं। अभी हम इसको डीप फ्राई करेंगे। चलो इसको तलते हैं। कोफ्ते तलने के लिए इधर तेल गर्म करने के लिए रखना है और 1 छोटा कोफ्ता हम इसमें डालेंगे। देखते हैं तेल गर्म हुआ है क्या नहीं। यस, अच्छी तरह से तेल गर्म हुआ है। अभी हम ये सारे कोफ्ते इसमें एक कोफ्ते को चारों ओर से ब्राउन होने तक तलेंगे। देखो, इसी तरह से सारे कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से तल के तैयार है। इसको हमारी इसको प्लेट में निकाल सकते हैं।
देखो कितनी अच्छी तरह से एक कप तक तल गई। देखो कितनी अच्छे एक कोफ्ते बन गए। अभी हम गैस के ऊपर दूसरा पैन चढ़ाएंगे। करी बनाने के लिए गैस के ऊपर मैंने दूसरा पैन चढ़ाया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और उसके साथ साथ 1 क्यूब से बटर का भी डाल देते हैं। इसमें डालेंगे जीरा, जीरा भुनने लगा है। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। मिक्स करेंगे सारी चीजों को। अभी इसमें हल्दी डाल देते हैं, धनिया और जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिलाते हैं सारी चीजों को। टमाटर और प्याज की पेस्ट। अरे सारी चीजों को अच्छी तरह से भूनना है। जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होता है तब तक इस मसाले को भूनना है। देखो प्याज और टमाटर की पेस्ट बनाते समय मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। पेस्ट बनाते समय आप पानी नहीं डालोगे तो जल्दी से मसाले भून जाते हैं। थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। देखो इसमें से तेल अलग होने लगा है। अभी इसमें डालते हैं एक फ्रेश थीम। मिलाते हैं सारी चीजों को। अभी इसमें डालेंगे एक गरम मसाला। सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अभी इसके ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल धीमी आंच पर 2 मिनट पकाते हैं। बीच बीच में इसको चलाते रहना है ताकि मसाले अच्छी तरह से पकना चाहिए। चलो इसको 2 मिनट पकाते हैं और बीच बीच में चलाते रहना है। देखो 2 मिनट हुआ है। 2 मिनट में ये मसाले अच्छी तरह से भून गए। अभी हम इसमें डालेंगे पानी। जैसे आपको करी चाहिए उस तरह से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन कोफ्ता करी बनाने के लिए इसमें थोड़ा पानी हम ज्यादा ही ऐड करेंगे क्योंकि कोफ्ते में पानी सोख होता है। मिलाते हैं सारी चीजों को। अभी इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। थोड़ा उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद हम इसमें कोफ्ते डालेंगे और फिर से 2 मिनट पकाएंगे। देखो हल्का सा उबाल आने लगा है। अभी हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। देखो इसको अच्छी तरह से उबाल आया है। अभी हम इसमें डालेंगे नमक। देखो नमक मैंने सबसे लास्ट में डाला है। अभी इसको 3 मिनट पकाते हैं। चाहिए तो आप इसके ऊपर ढक्कन रख के भी पका सकते हो, नहीं तो इसी तरह से भी खुले भी पका सकते हो। चलो इसको बिल्कुल धीमी आंच पर 3 मिनट पकाते हैं। देखो 3 मिनट हुआ है। ये सोया चंक्स कोफ्ता करी बहुत अच्छी तरह से बनके तैयार है। चलो मैं अभी गैस बंद करती हूँ। इसको एक प्लेट में सर्व करती हूँ। चलो इसको मैं सर्व करती हूँ। आप देखो कितनी अच्छी एक करी बन गई है। लीजिए इसी तरह से सोया चंक्स कोफ्ता करी बनके तैयार है। अभी मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालती हूँ। इसके ऊपर फिर से आप बटर डाल के सर्व करते हो। लीजिए बहुत ही अच्छी टेस्टी गर्मा गर्म ये सोया चंक्स कोफ्ता करी बन के तैयार है। तो चलो आप भी जरूर इसी तरह से सोया चंक्स कोफ्ता करी बनाइए। आई होप आपको भी बहुत बहुत ही पसंद आएगी मेरी ये सोया चंक्स कोफ्ता करी की रेसिपी। आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके कुछ डाउट्स है, क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। आप मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक और ट्विटर की लिंक दी है। उधर जाके जरूर क्लिक कीजिए और फॉलो कीजिए। चलो फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।